स्वावलंबी बनने के लिए, स्वरोजगार बनने के लिए पहले कुंडली क्या बोलता है, वो 10th हाउस 11th हाउस अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन उससे पूर्व देखना पड़ता है कि मेरा क्या कैपेसिटी है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा क्लास ले सकते हैं, द्वितीय हाउस स्ट्रांग है, द्वितीय हाउस में गुरु का दृष्टि है, शुभ ग्रह का दृष्टि है, वाणी में स्ट्रांग है, वाणी से कमाएंगे, लग्न मजबूत है स्ट्रांग है, लग्न से शरीर से कमाएंगे, बुद्धि ज्ञान स्ट्रांग है, पंचम बहुत मजबूत है, बुद्धि से कमाएंगे। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस मार्ग पे जा सकते हो। सूर्य लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए मंगल प्रचंड कारक होते हैं, और भूमि से पैसा कमाना, एग्रीकल्चर सेक्टर से पैसा कमाना, और क्योंकि मंगल 6, 8, 12 पे भी नहीं बैठे हैं और कारक भी हैं, दशमस्थ मंगल हो या एकादशस्थ मंगल हो या केंद्र पे बैठे हों, या चलो तुम्हारा जो भी बैठा हो, तुम्हारा लग्न कह रहा है कि एग्रीकल्चर भूमि मुख्यतः सिंह लग्न वालों का होता है, लेकिन तुम दोनों का बृहस्पति भी स्ट्रांग फील्ड पे है तो संगठन करवाएगा, नो डाउट। अब देखो तुम क्या बोल रहे हो कि जमीन लूंगा, खेती करूंगा, पैसा निकलेगा, अमीर बनूंगा। मिनिमम 100% एफर्ट करके कहीं काम करोगे तो ये 1.5 साल का टेक्निकल प्रोजेक्ट है। मेरे पास अगर करोगे तो मैं कहूंगा 1 महीना से 4 महीना का प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम नया जमीन लोगे, वहां फैसिलिटीज दोगे, पानी दोगे, इन्वेस्ट करोगे, सब कुछ, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर बना बनाया एक प्रोजेक्ट है, बना बनाया टेक्नोलॉजी है, 1 महीना के अंदर भी 1,00,000 रुपया रोजगार हो सकता है, बहुत सा टेक्निक है, और एग्रीकल्चर पे सक्सेस ले सकते हो। उसके बाद जाओ जो करना है करो, एक बार टेक्निकल आइडिया प्रैक्टिकली सीख लिया फिर जाओ जहां भी जीतो, और टेक्निकल प्रैक्टिकल नहीं है फिर थ्योरी में रहो, घूमते रहो, फेलियर होते रहो। और बाप अब उम्र तुम्हारा नहीं है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन करेगा, टेस्ट एंड ट्रायल करेगा, हिट एंड ट्रायल करेगा, फेल्योर होगा और सीखेगा, और वो तुम्हारा शनि महादशा शुरू भी होने वाला है, और तुम पूछ रहे थे सर ऐसे कैसे से टूट गया, वो ऐसा कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, शनि महादशा, सुपर चैलेंज के अंदर लड़ रहा हूं। तो क्या क्या कर रहे हैं? वो तो बात का बात है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, शनि करा रहा है। हाँ, हर जगह में वही हालत है, जाके देख लो, चारों का चारों संगठन में शनि लगा हुआ है। 15,50,000 का तो प्रोजेक्ट जला गया, जल गया, खत्म, फायर हो गया। हाँ, बिना फालतू, मैं शनि का दोष नहीं दे रहा हूं, इधर शनि महादशा रन कर रहा है और इधर शनि का 7.5 ही रन कर रहा है, डबल शनि का फेल केस, और उधर से केतु का गोचर चल रहा था मकर राशि के ऊपर, बड़ा मजेदार खेल था, फायर, 1.5 करोड़ कहां गया पता नहीं, तुम गिनती भी नहीं कर सकता, सब कुछ डिस्ट्रॉय, फिर भी खड़ा है आचार्य संजय, रावण खड़ा है, ठीक है। सो ये जो आने वाला तुम्हारे पास, और मात्र 3 महीना बाकी है बाबू, मार्च 3 से शनि महादशा में इन दशा छिद्र अवस्था आए हो मेरे पास, इधर से 6 महीना, इधर से 6 महीना, हर दशा अर्धदशा का दशा छिद्र शुरू हो जाता है 1 साल, और ज्यो ज्यो क्लोज कॉम्पैक्ट आता है 3 महीना 3 महीना 2 महीना 2 महीना 1 महीना 1 महीना, वो दशा छिद्र बोलते हैं, बहुत पेनफुल पीरियड रहता है, ऑब्स्टकल्स, सेल्फ ऑब्स्टकल्स, कहीं बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से ऐसा सर भारी हो जाएगा कि सोच नहीं सकते पड़े हो तो। चलो ये सब नेगेटिव बात बोलना नहीं चाहता हूँ, हटाओ, वो सब निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक्सपीरियंस मास्टर बैठा है ना, नो प्रॉब्लम। देन द स्टेप, अगर
तुम्हारे पास बेस्ट सनी है, तो यू आर गुड संगठक। सनी माने आम आदमी, और तुम्हारा ऑस्पिशियस है, गुरु के घर में बैठा है, अच्छा भाव भी पाया है। सो एक महीना में अगर एक कैंप भी कर लो ना, एक कैंप, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मयूरभंज, केंदुझर, जाजपुर, पूरे बेल्ट मेरा 20,000 कृषक के साथ लिंक है, तो यहां हो चाहे कहीं और हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है, प्राकृतिक कृषि घर घर फैलाना। मुझे कोई स्वार्थ और पैसा का पागल तो हूं नहीं, मैं भी फुकटलाल गिरधारी, और सब गवा के बैठा हूं तो और क्या गब जाएगा, सब गया, नीचे बैठा हूं, गिराओ किसका दम है। अबे गिराएगा तब ना जब ऊपर था, अब तो ग्राउंड जीरो पे हो, दिखाओ गिरा के, क्या कर लोगे, बदनामी कर लो, पैसा लोगे ले जाओ, कुछ केस करा दो, मैं ग्राउंड जीरो पे हूं, अब कुछ नहीं होगा भाई, नीचे सो जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, उठा के नहीं फेंक सकते। और तो डोंट वरी फॉर दिस, एक महीना में एक शिविर, 20,000 जन संगठन अगर है तो 100 युवा तुम ढूंढ के ला सकते हो, तेरे जैसे उम्र का 18 से लेके 25-30 तक का युवा ला सकते हो। हर महीना कंटिन्यूस शिविर चले, मुफ्त में मत करो, मैं ना मुफ्त करूं तुम तो नहीं, एक महीना का खाने पीने का स्टैंडर्ड फिक्स 5,000 कर लो, देने वाले हो तो, नहीं देने वाले 1,000-2,000 जो भी तुम्हें एक एस्टिमेट बना लो, क्योंकि हम तो मेहमान सिंह नहीं है कि लूटे लोगों से, तो जो तुम्हें फूड प्रोजेक्ट लगता है, आज के डेट में तेल 200 रुपये लीटर हो गया, चावल 40-50 रुपया हो गया, और गांव का गरीब किसान है तो बोलो यार ले आओ चावल, चावल आटा चावल लेके भोग आओ, लकड़ी भी साथ में ले आना, बनाओ खाओ, हमारा काम ट्रेनिंग। जब उनको ट्रेनिंग प्रोसेस में आएंगे ना, प्रचंड ट्रेनिंग प्रोसेस पे आएंगे, और उनको जब फायदा होने लगेगा तो खुद जाच के पैसा देंगे लो, और ट्रेनिंग फीस एक तो कुछ रख लेना, एक आदमी का अगर 1,000 रुपया हुआ, 100 लड़का का 1,00,000 ले जा, क्या 1,00,000 महीना, 12 लाख महीना, अगला महीना शादी करो, कौन मना कर रहा है तुमको, 12 लाख तो मैं भी नहीं कमा रहा हूं। तो दूसरा क्या होगा, एक तरफ से तुम्हारा संगठन भी चल रहा है, क्रांति का बीज भी बोया हो रहा है, तुम्हारा इनकम भी हो रहा है, और तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम शादी उदी करके बीवी लेके घूमो, हनीमून करो, बाकी काम हम संभाले। और वो लड़का हर महीना 100 लड़का का कैंप, 12 महीने में 1,200 लड़का का कैंप, वहां से तो तुम जैसे लीजेंड पर्सनैलिटी 12 तो निकल जाएंगे ना, 1,200 में से 1,200 तो निकल जाएंगे, बाकी छोड़ दो 1,100 को, 12 भी मिल गया ना, तो विवेकानंद बोला था कि मेरे जैसे 200 दे तो फिर मैं धरती पलटी कर दूंगा, मैं तो कहता हूं मात्र 5। नवीन का नाक में रस्सी घींच के नहीं ले आएंगे, हाँ रो पड़ेगा, किसान के लिए क्या किया है बता, तो लिपिड रिश्त दे, कितने आदमी का, वो तो बोलेगा प्याज घर बना दिया, बोले दिखा, फिर प्याज क्यों बाहर से आ रहा है, आलू घर बना दिया, बोला कोल्ड स्टोरेज बना दिया, अल्लाह आलू तो दिखा, वो रो पड़ेगा, किसान संगठन बन जाए, हर कलेक्टर का नाम पे आरटीआई, एमपी के नाम पे आरटीआई, ये एमएलए के नाम पे आरटीआई, क्या क्या है बोल, तेरे घर में आके बैठे ना माफ कर दे बाप, नहीं है ना, आप सब स्वार्थी है, गोली खाने के लिए सब डर रहे हैं, गोली तो बंदूक लेके खुद घूमेंगे, बे क्या बोल रहे हैं, मारेगा तू, क्या मारेगा, मैं मारूंगा, खत्म, फिर कैसे नहीं होगा वो काम, भयंकर, वो त्याग तपस्या वाला आदमी नहीं है ना, रेगुलर ट्रेनिंग। माओवादी क्यों सक्सेस है, रेगुलर ट्रेनिंग, तुम्हारा नहीं है, तुम बोलता है संगठन, इतना बड़ा राउरकेला स्टील प्लांट फेल्योर चल रहा था, टीएनडीसी बना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, सक्सेस है। डालमिया प्रोजेक्ट चले जाओ, डालमिया सीमेंट राजगांवपुर फेल्योर था, वो अपना आईटीआई बनाया, ट्रेनिंग सेंटर बनाया, सक्सेस। जब तुम इतना बड़ा किसान ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हो और तुम्हारे पास सेल्फ ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है, तुम कहां से आदमी के जी में आग लगाओगे, बम फूटेगा, बम लेके घूमने से बम थोड़ी फूटता है, माचिस भी चाहिए, डायनामाइट लगाया ना पीछे, माचिस भी मारो,
वो जो माचिस कौन मारेगा, हम लोग बारूद लेके घूम रहे हैं ना। जो ट्रेनिंग का बात बता रहे हैं, हाँ, उसमें कितना दिन का कटा? इट डोंट आस्क। अरे ये आप पूछ रहे तो महीना में जो एक्टो करेंगे? नहीं, ये हिट एंड ट्रायल में चलता है। तुम्हारा आदमी का एटीट्यूड क्या है, तुम देखे आधा आदमी भाग जाते छोड़ के, तो मैं उनका मोबाइल छीन लेता हूँ। वो अलमारी इसीलिए खाली मोबाइल रखने के लिए रखा है, ये बक्सा भी इसीलिए, 100 मोबाइल इधर स्विच ऑफ करके, स्विच ऑफ होने से भी अलार्म बजता है, ही 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 ही। तो अलार्म बंद करके तो पानी में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है ना, कितना दिन का ट्रेनिंग होगा ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम आदमी देखो उनका क्या क्वालिटी है। हम लोग का तो टारगेट 1 महीना का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, 30 डेज का साधना शिविर, 15 दिन का इन्फॉर्मेशनल शिविर, 3 दिन का टेक्निकल ट्रेनिंग, और वो 12 महीना ट्रेनिंग चलता रहेगा। तुम इधर से लड़का ढूंढ के भेज रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, इधर से सिस्टम चल रहा है, फिर ट्रेनिंग चल, 1-1 महीना वाला होगा। और अगर कोई स्वावलंबी का बात कर रहा है तो 4 महीना का होगा। भाई 4 महीना में 10 लाख कैसे कमाना है? आओ लो ट्रेनिंग, 10,000 रुपये लेके जाओ। 10 लाख नहीं लिया, 5 लाख लो, 5 लाख नहीं, 1 लाख लेके जाओ। एग्रीकल्चर को जो लॉस बिजनेस बोल के समझा दिए हो, करके दिखाते हैं, आ जाओ कैसे होता है, जमीन कैसे पैसा देता है। इसी कृषि से तो भारत कभी सोने का चिड़िया था, आज बोलते हो इंडस्ट्री और फैक्ट्री और धुआं और धूल। आज गवर्नमेंट लूट रहा है बोल के ना हमारा किसान बर्बाद है, उनको कोई आँख खोल के दिखाने वाला नहीं है। बैठ के पैसा कमाने का तरीका का नाम एग्रीकल्चर। तो किसान वो लड़का तैयार हो, आए रहे करे, तब ना अनुभव होगा। तो 4 महीना का होगा, 1 साल का भी ट्रेनिंग होगा, 5 साल का भी ट्रेनिंग होगा। ये डिपेंड करता है बच्चा मिलने के ऊपर, क्योंकि तो हमारा मकसद तो किसी से फीस लेना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, हमें क्रांति करना है ताकि इस देश का जो खाद्यान्न है रेट कमे, रेट घटे, विश्व में महाअरण्य बनाए बने, जो अनाबादी जमीन पड़ा है महाजंगल बन जाए, हर गांव गांव पे फल बागी बाटिका, फूल बागीटा, पुष्प बागी बाटिका, हर गांव में गुरुकुल, हर गांव पे महाअरण्य, चारों तरफ ऐसा हो कि उसमें घुसे तो दिन में टर्च लाइट के घुसे, गांव ही जंगल बन जाए, यही तो लक्ष्य है। हमें क्या लेना देना है उसमें, ट्रेनिंग करो, और उसके अंदर से जो योग ध्यान विपासना इत्यादि करेगा, जो परमानंद परम शांति परम तत्व को पाएगा, वो तो पैसा क्या खुद को अपने तुम्हारे चरण पे दे देगा। जब आदमी को सच्चा चीज मिल गया ना, फिर पैसा थोड़ी देखता है। ठगोगे तो ठगाओगे, ईमानदारी से काम करोगे तो लड़ोगे, इतना ही बात है। तो पैसा का कोई समस्या नहीं है संगठन। आप एक बार चले ना पड़े, कहाँ चले, क्या करूंगा, अरे करूंगा क्या, वो तो जाऊंगा, ठीक है।